खिला खिला सा दिन है, खुशनुमा माहौल है, सबके चेहरों पर मुस्कान बिखरी है। देखिए मेहर मैडम की रंगत भी इस मोव कलर के सूट में क्या खूब निखरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब एक ही रंग की ड्रेसेस पहनकर कहां पहुंच गए हैं, किस बात की ये थीम पार्टी है। तो आपको बता दें कि आज गिल परिवार के लिए है बेहद खास दिन, गर्व करने का दिन, क्योंकि सरबजीत का सबसे बड़ा सपना सच हो गया है, वो सपना जो उनके पापा ने देखा था। दरअसल पंजाब में सरबजीत खोलने जा रहे हैं बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, बहुत ही खुशी का, और आप सबने यहाँ पर आकर इस खुशी को हजार गुना ज्यादा दुगना कर दिया। थैंक यू सो मच पापा। मेरे डैडी जी हमेशा कहते थे कि हॉस्पिटल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि वहाँ के पेशेंट्स को लगे कि वो बीमार हॉस्पिटलाइज, बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आनी चाहिए। एंड आई गेस हमने इस बिल्डिंग को बिल्कुल वैसा ही बनवाया है जैसा मेरे डैड जी चाहते। सपना भले ही सरबजीत के पापा जी का था, लेकिन इस सपने को पूरा करने में सरबजीत की सबसे ज्यादा मदद की है उनकी बहन हरलीन ने। तो इस मौके पर सरब अपनी दी को भी क्रेडिट देना नहीं भूले। सारा क्रेडिट जाता है हरलीन दी, जो बरसों से डैडी जी के स्ट्रीम के साथ जुड़ी है। जाने कितनी मुश्किलें आई, कितने दुख, लेकिन ना तो वो खुद हारी और ना ही कभी मुझे हार। सो गाइस प्लीज वेलकम हरलीन दी टू इनॉग्रेट दिस ट्री। हरलीन का एक सपना तो पूरा हुआ, लेकिन एक सपना टूट गया। याद है ना कि यूमी और टीवी में हमने आपको बताया था कि इस हॉस्पिटल का नाम हरलीन अपने नाम पर रखना चाहती थी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा है, क्योंकि हॉस्पिटल का नाम रखा गया है छोटी सरदारनी के नाम पर। अब कौन है ये छोटी सरदारनी, सरबजीत से सुनिए। मिस्टर गिल, इस किताब छोटी सरदारनी का मतलब क्या है? आई मीन इसके सिग्निफिकेंस क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है? छोटी सरदारनी है मेरी वाइफ मैं और तिलो। छोटी सरदारनी सिर्फ एक टाइटल, सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गिल खानदान की परंपरा है, उसी प्राइड सरदारनी का एक टाइटल, ये किताब। मेहर जी ने अपनी हिम्मत, अपनी बहादुरी और अपनी दिलेरी की वजह से सबके सामने मेहर को सरब ने दिया है छोटी सरदारनी का खिताब, वो खिताब जिस पर पूरा गिल परिवार गर्व करता है। तालियों के शोर के बीच मेहर को ये खिताब दिया गया है, लेकिन हरलीन मैडम का तो चेहरा उतर गया है। अब ये उतरा चेहरा सरब मेहर की जिंदगी में कौन सा भूचाल लाएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।